हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज शिवा मालिक ओवर हेयर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़ॉरन बॉडीज़ इन नोज़ ठीक है बहुत टाइम से फॉरन बॉडीज़ बढ़ते आ रहे हैं तो फ़ॉरन बॉडीज़ आई होप आप सबको पता होगा कि बाहर की कोई भी चीज़ जब एंटर कर जाती है तो उसे हम बोलते हैं फ़ॉरन बॉडीज़ तो फॉरन बॉडीज़ इन नोज नोज मतलब कि हमारा जो फ़ॉरन uh, बॉडीज़ है जो फॉरन पार्टिकल्स है वो किस में एंटर कर रहा है नोज़ में ओके okay? लेट्स स्टार्ट दीज आर एनकाउंटर्ड इन चिल्ड्रन ये किस में देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में हु ट्राई टू इंसर्ट वेरियस ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं ट्राई करते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते हैं नोज में लाइक सच एज मार्बल्स इन टू दे इन टू देर नोज़ फॉर एग्जाम्पल एक जब बच्चे खेलते हैं ठीक है खेलते खेलते उनके पास मार्बल्स हैं छोटे छोटे कंकड़ हैं, उनसे खेल रहे हैं तो वो क्या करते हैं अपनी नोज़ में उनको पुट कर लेते हैं खेलते खेलते ठीक है जिससे क्या है डिफ़िकल्टी हो सकती है बहुत ज़्यादा तो वही है हमारा फॉरन बॉडीज ए नोज़ नेक्स्ट हमारे पास आता है साइन एंड सिम्टम्स तो साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं द नोज मे बी स्वेलन जो नोज होगी वो उस पर क्या हो सकती है स्वेलिंग आ सकती है सूझ सकती है वो क्रिजिलिटी फील इरिटेशन ये तो बहुत कॉमन सी चीज है अगर हमारी नोज में ईयर में आइज में कोई भी फॉरन पार्टिकल्स चला जाए तो इरीटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट है स्नीजिंग स्नीजिंग हो सकती है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और सांस लेने में क्या होगी दिक्कत हो सकती है डिस्चार्ज मे बी देयर फ्रॉम द नोज और नोज से क्या सकता है है, डिस्चार्ज आ सकता है जो कैसा होगा ब्लड स्टेन मीन्स जो डिस्चार्ज होगा नोज से वो कैसा होगा ब्लडी होगा मीन्स जब डिस्चार्ज होगा तो वहां से उसके साथ ब्लड आएगा ओके तो ये क्या है साइनल सिम्टम्स ओके ना नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या करेंगे इफ़ इट इज़ विजिबल अगर वो विजिबल है दिखाई दे रही है ओके पिकअप विद ट्वीज़र अगर फॉरन पार्टिकल्स जो है वो नोज़ में विजिबल है तो हम उसे ट्वीज़र की हेल्प से नि, निकाल सकते हैं ट्वीज़र होती है एक चिमटे की तरह होती है ठीक है इस तरह की शेप की होती है ये ये ऐसे होती है ट्वीज़र तो उसकी हेल्प से हम जो फ़ोरन पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल अगर क्या है विजिबल नहीं है डू नॉट मेक एनी अटैम्प्ट तो हम क्या करेंगे कोई भी अटैंप्ट नहीं करेंगे ओके ओके नेक्स्ट है मेक द कैजुअलिटी ब्रीथ थ्रू थ्रू माउथ ऑब्वियसली नोज में फॉरन पार्टिकल्स है तो उसको ब्रीदिंग ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम कैजुअलिटी को क्या है बता सकते हैं कि आप कहाँ से ब्रीथ करो माउथ से देन कीप द कैजुअलिटी क्वाइट जो वो uh, कैजुअलिटी होगा बहुत परेशान हो जाएगा एंशियस हो जाएगा एग्रेसिव भी हो सकता है तो हमें जो कैजुअलिटी है उसको क्वाइट करना है नेक्स्ट है टेक हिम टू दॉस्पिटल अगर ये सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं ठीक है तो हमें क्या है unnecessary, उसको, foreign particles को पार्टिकल्स नोज में सर्च नहीं करना हम क्या करेंगे देन पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे सो so दैट जितना जल्दी हो सके उसको ट्रीटमेंट मिल सके ओके okay? तो ये था आज का मेरा टॉपिक फॉरन बॉडीज इन द नोज आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू